परिचय और आपका यहाँ पे क्या रोल है वन स्टॉप सेंटर में, ये बताएंगे। ठीक है ओके रोलिंग। सर। मेरा नाम ज्योति राणा और मैं वन स्टॉप सेंटर में साइको सोशल काउंसलर हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो भी लेडीज़ आती हैं, जो भी पीड़िताएं आती हैं, तो हम सबसे पहले उन लेडीज़ की रेपो बिल्ट करते हैं। रेपो बिल्ट में हम सबसे पहले लेडीज़ को आराम से बिठाते हैं, उन्हें चाय पानी खाना वाना खिला के रिलैक्स करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग के दौरान जो भी क्लाइंट आता है या जो भी लेडीज़ आती है, विक्टिम होती है, तो हम सबसे पहले उसको रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद 1-2 घंटे के बाद हम उनका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग सेशन में फिर जो भी, क्योंकि स्टार्टिंग में आती हैं तो सभी लेडीज़ किसी ना किसी समस्या के दौरान ही आती हैं, तो समस्या वो खुल के हम एकदम से आते ही तो बताएंगी नहीं। तो हम धीरे 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 रेपो बिल्ड करके धीरे धीरे उनकी जो भी समस्या होती है उन्हें पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी ये प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे हम पहले क्लाइंट को सुनते हैं कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि कई क्लाइंट बता ही नहीं पाती हैं, सच नहीं बताती हैं, हेर फेर के मॉडिफाई करती हैं बातों को। तो हम 5 डेज़ के अंदर उनको धीरे धीरे उनकी बातों को क्लियर कट एक मोड़ पे ले आते हैं कि हमारे पास इनकी ये प्रॉपर है, प्रॉपर प्रॉब्लम ये है। उस प्रॉब्लम को फिर हम सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। पहले क्लाइंट से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। जो पीड़िता होती है, तो पीड़िता जो भी पीड़िता होती है तो उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, तो हम प्रॉपर वे में उनसे पूछते हैं कि आप क्या सॉल्यूशन चाहते हैं। भाई आप क्या चाहते हैं, आप घर पे जाना चाहते हैं या फिर आप यहीं पे महिला आश्रम में कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। प्रॉपर वे में आप क्लियर कट बताइए भाई, बेझिझक। फिर जब वो हमें सॉल्यूशन बताती है कि मैडम हम ये चाहते हैं, हमें फिर उसके अकॉर्डिंग जो पीड़िता होती है उसके फ्यूचर को देखते हुए हम फिर एक डिसीजन लेते हैं कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम उन्हें परिवार में ही पुनर्स्थापित कर पाएँ, रिहैबिलिटेट। अगर हम फैमिली में कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए अपनी फैमिली में खुश होकर जाती हैं। और फिर अगर प्रॉपर वे में कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि गुमशुदा होती हैं, और कई ऐसी लेडीज़ होती हैं कि वो घर पे सेफ नहीं होती, तो हम उन्हें महिला आश्रम में, नारी निकेतन में, या फिर जो अंडर एज जो बच्चे होते हैं, जो माइनर बच्चे होते हैं, तो उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करवा के, और जो उन्हें फिर एक हमारे यहाँ पे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अनाथ आश्रम है, तो बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट करवाते हैं। चेंज हो जाएगा थोड़ा सा इसी का वेट का प्रोपोर्शन कटिंग अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जो औरतें आती हैं पीड़ित महिलाएं, तो किस किस तरीके की समस्याएं होती हैं उनकी? सर हमारे पास तो हमारे वन स्टॉप सेंटर में अभी तक जो केस आए हैं, सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं रनअवे केसेस, जो घर से जो लड़कियां होती हैं, जो पीड़िताएं होती हैं, वो घर से भाग के शादी करते हैं माता पिता के खिलाफ जाके, तो वो केसेस आते हैं। या फिर हमारे पास आती हैं दहेज से रिलेटेड, दहेज उत्पीड़न के केसेस आते हैं, और केसेस आते हैं घरेलू हिंसा से संबंधित, और वीमेन ट्रैफिकिंग के भी आते हैं। अभी मैं बोली थी आते हैं, आप बोलिए आए हैं। आए हैं ना? हाँ जी आए हैं, लेकिन हाँ जी 2-3 तो आए हैं वीमेन तो आपको ट्रैफिकिंग आए के। ही बोल रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है हाँ जी बोलिए बोलिए। सर हमारे पास केसेस आते हैं सर्वन बोलिए, वन स्टॉप सेंटर हाँ बोलिए। जी वन स्टॉप सेंटर करनाल में अभी तक जितने केसेस आए हैं उनमें से है मेन तो रनअवे केसेस, उसके बाद है दहेज उत्पीड़न से संबंधित, उसके बाद है घरेलू हिंसा से संबंधित, और वीमेन ट्रैफिकिंग के सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास ये ही आए हैं। और जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप घर से निकाल देते हैं, या किसी तरीके जैसे रेप से रिलेटेड लड़कियाँ आती हैं।